वीडियो बनाओ, वीडियो हेलो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग सजदे में थे, भाई लोग जितने भी है नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है, ये इंदर लोग की वीडियो है। जुमे की नमाज पढ़ते नमाजियां एक सब इंस्पैक्टर के वलों ठेडे मारे गए सी, लत्तां मारियां गईयां सी। ओ वीडियो सोशल मीडिया से तेजी के नाल वायरल हुई, हालांकि उस सब इंस्पैक्टर नू मुअत्तल कर दिता, पर मुसलमान भाईचारे के खिलाफ यह वर्तारा कई सवाल खड़े कर गया। यह वीडियो उत्तरी दिल्ली के इंदर लोक इलाके की वीडियो सी। इस मसले नू लैके सर्व कल्याण किसान मंच हरियाणा के वलों राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम एक मंग पत्र सौंपया गया, जिन्हां दे वल्लों इस घटना की सख्त शब्दों के विच निखेधी की गई। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाईचारे के खिलाफ अजिहा वर्तारा लोकतंत्र की हत्या है। नाल ही उन्होंने किसानों का जिक्र किया जो खनौरी ते शंभू बॉर्डर ते बैठे हुए ने। उन्होंने कहा कि जिवें जंग लगी हुंदी है, इस तरीके के हालात हरियाणा सरकार के वल्लों बनाए गए जो लोकतंत्र दे लई एक खतरा है। हम महामहिम के नाम से ज्ञापन लेके आए हैं और डीसी साहब के मार्फत उसको भिजवाएंगे, जो ये इंद्रलोक में नमाजियों के साथ जो प्रताड़ना की है दिल्ली पुलिस ने, सभी कर्मचारियों पे बर्खास्तगी जैसा कड़क कदम उठाते हुए और एफआईआर दर्ज करके आगे पुनरावृत्ति फ्यूचर में ना हो, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, वो ज्ञापन लेके आए। इस घटना को कैसा मानते हैं? आज देश की आत्मा को झकझोर करके रख दिया, पुलिस एक तरफ कावड़ियों को फूल बरसा रही है, नमाजियों को लात मार रही है, ये सच्चाई नहीं है। ये इंसानियत का काम नहीं है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला कानून है। एक आप देखिए, जैसे ही सरकार ये आई, मुस्लिम फोबिया हुआ, उसके बाद में जाट फोबिया हुआ, उसके बाद में किसान फोबिया हुआ, अब सिख फोबिया चल रहा है, अभी हमारे किसान जो है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे इस तरह रोक दिए गए जैसे जो है ना दूसरे देश की सेना आ रही हो। ये महामहिम को इस ज्ञापन के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम एक देश में दो कानून नहीं होने चाहिए, एक देश में दो तरह के बिहेवियर व्यवहार नहीं होने चाहिए। तो जो नमाजियों के जिन्होंने लात मारी है, जिन्होंने प्रताड़ना की है, जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उनको ऐसी सजा मिले कि जो है ना आगे पुनरावृत्ति ना हो। भाई ये तो जो है ना सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान के संविधान को कुचला ही जा रहा है कुछ आदमियों के थ्रू, जो है उससे सरकार भी बदनामी होती है और दूसरा पक्ष कमजोर भी बहुत हो गया, आज सहमा हुआ डरा हुआ है। हमारे किसान भारत किसान यूनियन के यहाँ आई है और इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम हम राष्ट्रपति के नाम देना चाह रहे हैं और अभी दे देंगे 5 मिनट में, और उसमें इस ऐसे तत्व जो समाज को और संविधान को खराब करने में लग रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, टर्मिनेट हों, उनको कोई अधिकार नहीं है मुल्क में इस तरह के दुर्व्यवहार करने किसी भी आदमी के साथ।